हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी शनिवार के दिन आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि शनिदेव प्रसन्न हो और आपके घर में धन धान की वृद्धि हो। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। कृपया मैं आज आपको बताऊंगी पीपल के इस उपाय से होती है धन की प्राप्ति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन पीपल के बिना कटे या फटे हुए 11 पत्तों की माला बनाकर शनि मंदिर में शनि देव को अर्पण करें। इसके बाद 7 परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत से धागे को 7 बार पेड़ से लपेट दें। फिर ओम शम शनि का मंत्र 108 बार जाप करें। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष है तो उसे शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। जिस व्यक्ति पर शनिदेव का अशुभ प्रभाव पड़ता है उसे जीवन में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं यदि शनिदेव किसी भक्त के से प्रसन्न हो जाए तो उसको सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में शनिदेव को कर्मों का देवता कहा जाता है और शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित है। कहते हैं कि शनिवार के दिन शनिदेव की विधि विधान के साथ शनिदेव का पूजन करें तो भक्तों को कष्टों से मुक्ति मिलती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए आज हम जानते हैं कि शनिदेव के ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिसे करने से व्यक्ति को जीवन में समस्त सुख और धन वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आप धन की सुख की कामना रखते हैं और शनिवार के दिन 1.25 किलो आटा 1.25 किलो गुड़ मिलाकर इसकी रोटी बनाएं, फिर सूर्यास्त के बाद दूध देने वाली गाय को ये रोटियां खिला दें। यह उपाय 7 शनिवार करें। ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। हर कोई पैसा कमाने के लिए रात दिन मेहनत करता है लेकिन कई बार मेहनत के बराबर उसका फल नहीं मिलता। ऐसे में शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने आटे से बने 11 दीपक रखें, सुबह और शाम को जलाएं। फिर 11वें दिन 11 छोटी कन्याओं को भोजन करा और उन्हें कुछ भेंट देगी। एक सफ़ेद रुमाल या एक सिक्का और मेहंदी दे। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा अमीर बनने के लिए सूर्योदय के समय किसी पुराने बरगद के पेड़ के पास जाए और उसकी जटाओं में हल्दी की गांठ लेकर बांध दे। कुछ दिनों में आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी लेकिन ध्यान रखें कि जब धन प्राप्त होना शुरू हो जाए तो पेड़ से हल्दी की गांठ को ले आएं और उसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। आप इसे बहुत सावधानी से उपाय करें। धन की कमी के कारण जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समझ। शास्त्र में बताया कि शनिदेव बुरे कर्मों का दंड देते हैं और उनके क्रोध से बचने के लिए संकट मोचन हनुमान जी आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए यदि आप धन की कमी से परेशान हैं तो आपको नियमित शनिवार के दिन हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और उन्हें तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी समक्ष समस्याओं का हल हो जाएगा और आपके जीवन में धन की वृद्धि होने लगेगी। शनिवार के दिन पीपल के 11 पत्तों पर चंदन से श्री राम लिखो। सुबह के समय किसी पीपल के पेड़ में उन्हें अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपको 21 शनिवार आपको ये करना है। यह आपकी नौकरी में आ रही समस्या या फिर आपके प्रमोशन नहीं हो रहा है तो इसको उपाय को करने से आपको नतीजा देखने को मिलेगा। इसके अलावा हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। यह आपकी आर्थिक तंगी से दूर कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुत्ते को शनिवार और शनि को और केतु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी जातक की कुंडली में यह दोनों जो ग्रह नीच के हैं तो और बुरा प्रभाव डाल रहे हैं तो काले कुत्ते को भोजन कराएं। आप कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं और उसमें तेल सरसों के तेल में लिपटी हुई या फिर आप चावल का भोजन भी करा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपको किसी भी सूरत में कुत्ते को मीठी वस्तु खाने के लिए नहीं देनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। शनिवार के दिन देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको एक मिट्टी के मटके में उड़द की दाल और चावल को भरना है और उसमें कुछ धन भी रखना है। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप केवल 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं। इसके बाद देवी लक्ष्मी की उपासना और शाम के वक्त मटके को किसी निर्धन को दान दे दे। ऐसा आपको 7 शनिवार करना है। जरूर आपके जीवन में धन दौड़ा चला आएगा। यदि आप हर शनिवार को 7 तरह का अनाज मुट्ठी भर मात्रा में किसी निर्धन को दान करते हैं और आर्थिक तंगी से दूर होने के लिए साथ साथ आप धन कमाने के अवसर भी प्राप्त होंगे। यदि आप इस तरह 7 तरह के अनाज नहीं दान कर सकते हैं तो आपको 3 तरह के अनाज की भी दान करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव आप पे प्रसन्न होंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी। इस बात का आपको जरूर डरना चाहिए। इसके पश्चात पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात पीपल के वृक्ष में काले तिल नियमित जल से अर्घ दे। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी
लक्ष्मी संग पित निवास करते हैं, उसके इनके पश्चात पीपल पेड़ की परिक्रमा करें, वहीं दीपक जलाना, शनि देव की आरती करें। इस उपाय को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है, साथ ही शनिवार के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में निहित है कि न्याय के देवता शनि देव भगवान शिव और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के परम भक्त हैं, अतः शनिवार के दिन शिव जी की भी उपासना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा साधक पर बरसती है। इस बात का आपको ध्यान देना, उसकी साधक पर बरसती है, और अगर आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह हैं तो शनिदेव और भगवान की पूजा से वो सब दूर हो जाएंगे। शनिवार के हनुमान जी की पूजा भी आप विधि विधान से करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो मोतीचूर का लड्डू हनुमान जी को चढ़ाएं। आर्थिक तंगी को दूर करने के निर्मोचन हनुमान जी का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन क्या क्या करना, पीपल की माला चढ़ाएं, पीपल की सात परिक्रमा करें, शनिदेव के मंत्र का जाप करें, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, कौओं को रोटी खिलाएं, कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं, काले कुत्ते में काले कपड़े में तिल बांधे, शनि स्त्रोत का पाठ करें, ये शनिवार के दिन उपाय। बिजनेस में प्रमोशन के लिए पीपल के पेड़ की सात परिक्रमा करें और कच्चा सूत का धागा बांधे और शनि देव का ध्यान रखें। नौकरी पाने के लिए आप आय बढ़ाने के लिए आप पानी में बहते पानी में सम शनिश्चराय नमः का मंत्र बोलते हुए काला कोयला प्रवाहित करें, ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। सुख समृद्धि पाने के लिए पुष्प नक्षत्र में पीपल के पेड़ पर चीनी युक्त जल चढ़ाएं और ओम एम ह्रीम श्रीम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में ये किया उपाय आपको वैवाहिक जीवन में शुभता लाएगा। अगर आप साढ़े साथी अधैया से परेशान हैं तो शनि सुरक्षा स्त्रोत का आपको पाठ करना बहुत शुभ होगा। किसी भिखारी को तेल से बनी वस्तुएं दान करें, इस दिन गुगल धूप जलाएं और शनिवार को काली उरत का दान करें, ये शनि देव के उपाय हैं। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना बहुत लाभकारी माना जाता है। शनिवार के दिन गोचर मुहूर्त में चींटियों को तिल चखिलाएं, ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। भोजपत्र पर चंदन से ओम ह्रीम लिखकर शनिवार की रात्रि में पूजा करने स्थान पर और विद्या प्राप्ति होती है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक